सो टुडे वी क्रिएट दिस स्काई ग्लो इफेक्ट इन किनेमास्टर। किनेमास्टर ओपन कर लिया है। अब 16:9 रेशो ले लेंगे अपन। देन जहाँ पर भी अपनी फाइल है उसको इंपोर्ट करना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। क्लिक करना है, नीचे आके एडजस्टमेंट आएगा, एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। ब्राइटनेस को 5-6 समथिंग बढ़ा देना है। कॉन्ट्रास्ट अपने को फुल करना है। देन नीचे हाइलाइट्स पे जाना है। हाइलाइट्स को भी अपने को थोड़ा सा बढ़ा देना है, अच्छा मीन्स उसको भी फुल टैप कर देना है। देन नीचे जाके लिफ्ट रहेगा, लिफ्ट को भी थोड़ा बढ़ाना है। जो अपना स्काई सिर्फ वही विजिबल रहे, नीचे का पूरा ब्लैक हो जाना चाहिए ताकि अपन आगे कुछ भी कलर्स करें तो दिखे नहीं। देन लेयर्स मीडिया पर क्लिक करके बैकग्राउंड पर जाना है और ब्लैक लेना है। बाकी इसको भी जूम थोड़ा ऊपर करके इसको ओवरऑल जूम करना है कि पूरी फ्रेम आ जाए अपने उस पर। देन उसको भी स्काई को छोड़ के बाकी सब जगह पर मीन्स उसको लगा देना है। और जो अपना सॉलिड कलर वाली लेयर है उसको पूरे उस पर ओवरऑल बढ़ा देना है, पूरे वीडियो के नीचे कर देना है। एक बार देख लेते हैं कहीं से कुछ। देन अब इसको एक्सपोर्ट कर लेना है वीडियो को हाई क्वालिटी में, अच्छे से अच्छे में। फाइल पे क्लिक कर देंगे, कलर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, बेसिक पे करेंगे, सबसे नीचे नीचे जाएंगे कि रेड कलर का फिल्टर आएगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे अपन वीडियो के ऊपर। देन वापस इसका एडजस्टमेंट पे जाएंगे अपन, तो जो इसका कॉन्ट्रास्ट है वो 100 कर देंगे पूरा। और नीचे नीचे जाके लिफ्ट रहेगा उसको भी अपन थोड़ा बढ़ा देंगे, मीन्स फुल टाइप ही कर देंगे उसको भी अपन, ताकि रेड हाईलाइट हो जाए। देन अपन फिर वापस लेयर्स पे क्लिक करके अपन इफेक्ट पे जाएंगे। अगर आपके पास इफेक्ट नहीं हो तो गेट मोड से डाउनलोड कर सकते हो। तो अपन ने गेजुअल ब्लर डालना है इस पर। देन डालने के बाद उसको पूरा अपन स्क्रॉल पूरा बड़ा कर देंगे और उसको पूरी टाइमलाइन पे अपन कर देंगे वीडियो के नीचे, जैसा अपन ने पहले करा था। और इसको भी अपन एक्सपोर्ट कर लेंगे हाई क्वालिटी में। ये भी हो गया डन। वापस इन दोनों वीडियोस को डिलीट कर देंगे जैसे पहले करा था। देन ओरिजिनल में जो फर्स्ट फाइल थी उसको इंपोर्ट कर लेंगे अपन। देन इसके नीचे वाले लेयर्स पे लेयर पे जाके मीडिया पे जाके उसको भी इंपोर्ट कर देंगे रेड वाली फाइल को। रेड वाली फाइल पे क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट पे जाएंगे, नीचे 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 आएगा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट पे जाएंगे। देन इसके ह्यू पे जाके अपन शिफ्ट करेंगे तो कलर्स चेंज होते हैं, आपको दिख रहे होंगे स्काई पे। जो भी अपने को कलर चाहिए स्काई का तो अपन वो करने के बाद में फिर अपन नीचे आएंगे ब्लेंडिंग मोड पे। देन इसको अपन वो करना है स्क्रीन, तो देख सकते हैं जैसे स्काई थोड़ा सा ब्लूश हो गया है। देन ब्लू तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि स्काई पहले से ही ब्लू था। देन वापस अपन नीचे आके एडजस्टमेंट पे जाएंगे और अपन इसको थोड़ा पिंक टाइप कर देंगे तो अलग ही फील दिखेगा अपने को, अलग से स्काई। देखो अब जैसे आपको इसको ग्लो करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपको कम ग्लो करता हुआ दिख रहा है अभी तो जो अपने लेयर है उसको डुप्लीकेट कर देना।